गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका अगेन स्वागत करती हूँ मैं। आज हम मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं जो कि लियोज के लिए होगी, यानी कि सिंह राशि वालों का अप्रैल माह कैसा जाएगा वो हम देखने वाले हैं। क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या यूनिवर्स उनको मैसेज देने वाली है वो हम सब देखेंगे। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जीज निकालने वाली हूँ मैं, उसके बाद लव रीडिंग करेंगे। ओके, यानी कि जो पर्सनल लाइफ है लियोज की वो कैसी रहेगी वो देखेंगे। तो सबसे पहले ओवरऑल देख लेते हैं, जनरल जो होती है रीडिंग्स वो। जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए गाइस। स्पिरिट से हमें डिवाइन गाइड कीजिएगा लियोज यानी सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, क्या होने वाला है उनकी जिंदगी में, यूनिवर्स हमें बताने की कोशिश कीजिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी देखेंगे गाइस। चलिए देखते हैं क्या आता है। द एम्प्रेस, ओके, जजमेंट। तो गाइस यहाँ पे 2 मेजर अरकानाज हैं, तो यहाँ पे अप्रैल के फर्स्ट 10 डेज में क्या स्थिति होगी आपकी, क्या आप करने वाले हैं। बिल्कुल एक्सक्यूज मी। तो गाइज एक आप सबसे पहले एक बात है कि आप जो हैं वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, यानी कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन में या एनर्जी में आ चुके हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी लेडी होती है जो कि थोड़ा इगोइस्टिक, किसी के सामने झुकना नहीं है आपको, आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि आपको किसी के सामने झुकना नहीं है। बहुत प्लानिंग से चल रहे हैं आप, चाह के भी कुछ अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने बताना नहीं चाहते। आप जो फील करते हैं वो किसी को भी दर्शाना नहीं चाहते हैं। आप एक एटीट्यूड आप में है जो कि आप किसी को दिखाना चाहते हैं, वो एटीट्यूड आप में भरा हुआ है। बिल्कुल आप अपने फुल पावर में, आप लगता है कि आपके जैसा इंसान नहीं है दुनिया में, इस तरह की एनर्जी। मुझे थोड़े से इगोइस्टिक आप लग रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा किया है आपने या किसी को शो करने के लिए दिखा रहे हैं सब कुछ, हालांकि आपके मन में कुछ और है लेकिन आप दिखा कुछ और रहे हैं। चलिए देखते हैं, जनरल रीडिंग है गाइस, करियर को लेके है। कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है घर से भी आप कोई काम कर रहे हैं। दी एम्प्रेस का कार्ड आया है, आप पूरे एम्प्रेस की पावर में, यानी कि आप ऐसा शो कर रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक तो कहेंगे ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, लेकिन आप अपनी पावर में रहना चाहते हैं, यानी कि किसी के सामने झुकना, किसी की बात मानना, ये आपकी बिल्कुल भी तमन्ना नहीं है। आपके डिज़ायर्स हैं कि आप एक एम्प्रेस की तरह रहें, आपके पास सब कुछ है, किसी के सामने ना झुकेंगे, किसी की ना बात मानेंगे, इस तरह की पोजिशन में आप हैं। ओवरऑल आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि आप में बहुत अबंडेंस है, आप में वो पावर है जो किसी और में नहीं है। अगेन जजमेंट का कार्ड आया है, आपको एक वेकअप कॉल मिली है, यानी कि किसी चीज़ का आपको भगवान के द्वारा संदेश मिला है या एक वेकअप कॉल आपके लिए आई है। यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहती है आपके बारे में, वो क्या चीज़ है हम नहीं बता सकते, लेकिन आप कुछ ना कुछ डिसीजन के मूड में हैं। ये जो वेकअप कॉल हुई है उससे आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके मन में कुछ डिसीजन चल रहा है, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं तो हो सकता है आप फाइनेंस और करियर को लेकर बहुत ज़्यादा किसी डिसीजन के मूड में हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपको कोई प्रपोजल आया है, या प्रपोजल इन सेंस के जॉब के बारे में, या फिर अपने फाइनेंस को ग्रो करने के बारे में आपके पास कोई प्रपोजल आया है जिसको लेके आप डिसीजन के मूड में हैं। कुछ ना कुछ वेकअप कॉल आपको आई है, दिमाग में कुछ झटका लगा है ऊपर वाले की तरफ से, जिन भगवान को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपको कुछ मैसेज आया है ताकि आप कुछ डिसीजन ले सकें। ये किसी बारे में भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, लेकिन आप फुल पावर में हैं और आप किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। ये फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी है गाइस। अब हम देख लेते हैं मिडिल 10 डेज में क्या होने वाला है। ओके, रीडिंग पसंद आ रही है मस्त वाला लाइक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत आवश्यक है। मुझे मोटिवेशन के लिए आपका सपोर्ट जरूरी होता है गाइस, और मेरी रीडिंग्स को ऐसे ही लाइक करती रहेगा। अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, जैसे कि आप सब बहुत समझदार हैं और जानते भी हैं। ओके, चलिए हम मिडिल 10 डेज के एनर्जीज देख लेते हैं। स्पिरिट से डिवाइन गाइड कीजिएगा मिडिल 10 डेज में क्या होने वाला है। द सन, जैसा कि मैंने कहा फुल पावर में है, लेकिन जिस रीडिंग में गाइस मैंने पहले ही रीडिंग करी थी, शायद लिब्रा की थी, उसमें भी सन कार्ड इसी पोजीशन पे आया था, तो आपके लिए द बेस्ट महीना रहेगा अप्रैल का महीना। तो आप बिल्कुल खुश हो जाइए, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। एक्चुअली जो आप अगर जॉब प्रोफेशनल जनरल देख रहे हैं हम,
ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन आपको जो भी क्लियरिटी है, जो भी जॉब से रिलेटेड है, कोई जॉब लेना है आपको ले लीजिएगा, उसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या गेन हो सकता है, क्या कमी हो सकती है, उसमें सब चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। और कुछ ना कुछ अगर बिजनेस को लेके या अपनी फाइनेंस को लेके है, तो उसमें भी आपको बिल्कुल क्लियर माइंड में हो जाएगा कि इस तरह से कोई कुछ करना है या फाइनेंस को ग्रो करने के लिए ये स्ट्रेटेजीज बनानी है, ये सब क्लियरिटी आपके माइंड में हो जाएगी। कहीं ना कहीं ओवरऑल पॉजिटिविटी आपके जीवन में आने वाली है। मिडिल 10 डेज में आपकी बहुत ज़्यादा आपके माइंड में क्लियरिटी होगी अपनी चीज़ों को लेके, अपने काम को लेके। और देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपका फुल फोकस मिडिल 10 डेज में अपने वर्क पे रहेगा। आप चाहते हैं कि आपके स्किल्स आपको यूज करें, यानी कि आपको कहा जा रहा है कि आपके स्किल्स जो हैं, यानी कि जो भी काम करते हैं आप, जो भी बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें स्किल्स फुली आपको काम करना पड़ेगा। अपनी जो काबिलियत है उसको दर्शाना पड़ेगा, आपको लेजीपन हटाना पड़ेगा अपने अंदर से। कहीं ना कहीं वही पावर वाली बात है गाइज, अपने आपको कुछ दिखाने के लिए, एम्प्रेस की तरह दिखाने के लिए आप उस तरह से मेहनत भी करेंगे। तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए, हार्ड वर्किंग करते हैं मुझे नजर आ रहे हैं। तो मिडिल 10 डेज में आपको क्लियरिटी मिलेगी बातों की, और कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करने के लिए, बिल्कुल स्किलफुली काम करने के लिए आप रेडी रहेंगे। और देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पावरफुल तो है ही गाइस। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। अगर आप फीमेल या मेल जो भी है देख रहे हैं, तो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। एनर्जीज जो आएंगी मैं बताऊंगी, एनर्जीज को देखिए, मेल फीमेल मत देखिए, ओके। तो यहाँ पे अगर आप मेल भी हैं, तो गाइस आपकी आपकी जो पावर है, आप कुछ भी कर गुजरने को रेडी हैं, यानी कि आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना जो भी करियर है उसमें सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कार्ड हमें कह रहे हैं कि आपकी जो एनर्जीज है बहुत ट्रूथफुल है, यानी कि आप में काम में भी जो कर रहे हैं काम, उसमें बिल्कुल सच्चाई पसंद इंसान है, और बहुत ज्यादा पावरफुल अपने आप को समझ रहे हैं। आपको कहा जाए कि वो काम करना है तो बिल्कुल रेडी रहेंगे। आप एनर्जेटिक हैं, हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अपने काम को आप पैशन की तरह लेंगे, यानी कि 100% उसमें देना चाहेंगे। दो दो कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि जो भी का आप काम कर रहे हो उसमें तन्मयता से लगे, यानी कि 100% अपना देना चाहेंगे। और यही एनर्जी आपकी आगे भी है, यानी कि आपको कहा जाए कि पहाड़ चढ़ना है तो डेफिनेटली आप पहाड़ चढ़ जाएंगे। इवन आपकी हेल्थ भी आपका साथ देगी, ओके। जो वेकअप कॉल है मुझे लगता है कि आपको इसी बात की है कि आपको ग्रेट ग्रेट जो हार्ड वर्किंग है वो करनी है अपने काम को लेके। मुझे लगता है आपका फोकस फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा है, अपनी फाइनेंस को ग्रो करने में, अपनी खुद की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं आप। एक्चुअली मुझे इन कार्ड से मुझे यहाँ लग रहा है गाइस कि आप अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं किसी के सामने कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, ये आप बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में ये बातें हैं। दी एम्प्रेस का कार्ड, दी किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड ये मुझे बता रहा है कि आपकी जो ये जो मैं बता रही हूँ ये कार्ड्स की मीनिंग है गाइज, लेकिन जो इसमें छुपी हुई बात ये है कि आप अपनी इनर ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप बताना चाहते हैं लोगों को कि आप क्या हैं। इस वजह से मुझे हार्ड वर्किंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। दैट इज द मेन थिंग इन दिस रीडिंग, ओके। लास्ट 10 डेज देख लेते हैं आप, फिर समय दिवाली गाइड कीजिएगा। लास्ट 10 डेज की एनर्जी बताइए। कहीं ना कहीं आप किसी चीज को साबित करने पे लगे हैं गाइस। यहाँ पे वेकअप कॉल आपको आई है और कुछ साबित करके दिखाना चाहते हैं आप, ओके। अपनी इनर स्ट्रेंथ को बताना चाहते हैं कि मैं किसी से कम नहीं वाली बात आपके अंदर है, ओके। आपसे किसना रेजोनेट हो रहा है गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट करना बहुत अच्छा लगते हैं। चलिए और देखते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स एंड किंग ऑफ कप्स। यस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपको अपने काम में, ये जनरल रीडिंग गाइस, यहाँ लवर्स का कार्ड आया है, पर हम लवर्स की तरह नहीं पढ़ेंगे इसको, अभी मैं बताऊंगी आपकी लव रीडिंग में क्या आता है। लेकिन फिलहाल जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है वो कह रहा है कि आपको आपको बातों की क्लियरिटी चाहिए। आप कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर आपका काम या बिजनेस आपका कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकता है, इंटरनेट से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, तो आप अपने काम में क्लियरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो कुछ मैं कर रही हूँ मुझे पता होना चाहिए कि क्या है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है, आपको लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट है, सॉरी। द लवर्स का कार्ड कहता है कि आप अपनी वर्क प्लेस पे सबका सहयोग चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं, आपकी दो चॉइसेस आपके पास हैं, उनको उनमें से किसी जो दो जॉब हैं तो एक जॉब को चुनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं,
करियर को लेके या जॉब को लेके, तो आप उसमें से चॉइस करनी है आपको, लेकिन आप डिसीजन के मूड में हैं, लेकिन फिलहाल जो है आपकी जो अपनी फीलिंग्स, आप जैसे कि हार्ड वर्किंग कर रहे हैं आप, तो आपको दो जो भी ऑफर मिलेंगे या दो चॉइसेस आपके पास हैं, तो उसमें से आप चुनने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, क्योंकि आप अपनी गट फीलिंग को यूज करेंगे, यानी कि आप फीलिंग से भरे हो कुछ चीज करने वाले हैं, जो भी करेंगे डिसीजन अपने मन का डिसीजन लेंगे, सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपने मन की, ये कार्ड हमें कह रहे हैं। लास्ट देख लेते हैं हम ये रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, नाइट ऑफ वेंड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वेंड्स ही कहता है, अगेन लाइट कम हो रही है गाइस, एक मिनट। नाइट ऑफ वेंड्स का कार्ड ये कहता है कि आप बिल्कुल पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना आपके मन में है, दिल में कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को, अपने जॉब जो भी काम है आपका उससे फीलिंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके आपके जो अरमान है उससे जुड़े हुए, कहना चाहूँ तो मैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपकी जो अंदरूनी भावना ये है कि आपको किसी को साबित करके बताना है कि मैं भी कुछ हूँ, तो उस वजह से आप पैशनेट होकर काम कर रहे हैं और एक न्यू स्टार्ट अपने काम में जाते हैं, आपको कुछ करके बताना है, किसी को साबित करना है आपको कि आप भी कुछ हैं, तो ये एनर्जी आपकी है गाइस, अगर आपसे मिलती है तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ। ये तो आपकी जनरल और जॉब से रिलेटेड हो गई, अब हम आपकी पर्सनल लाइफ देखेंगे। चलिए गाइस मैं शफल कर लेती हूँ, आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, जिन भी भगवान अल्लाह ईश्वर जिनको भी मानते हैं आप उनको याद कीजिए। और थैंक यू गाइस, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, उस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और देखते हैं अब आपकी पर्सनल लाइफ में, लियोज की पर्सनल लाइफ में क्या क्या हो रहा है हम देखने वाले हैं, अप्रैल में क्या चल रहा है इनकी लव लाइफ में, यानी कि पर्सनल लाइफ, आप मैरिड हैं अनमैरिड सब देख सकते हैं गाइस। चलिए देखते हैं क्या आता है, स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल में पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है, सबसे पहले सिक्स ऑफ कप्स, द डेथ, ओके, द हाई प्रिस्टेस, अगेन टू मेजर अरकाना यहाँ पे हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं या फिर कोई आपका लवर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, जिसके भी आप बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ बता रही हूँ मैं आपकी, तो पर्सनली आप उनको एक सोल कनेक्शन के रूप में मानते हैं, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनका आप ये सोचते हैं कि उनसे कोई पास कनेक्शन है, लेकिन आप में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, जिनके भी बारे में पूछ रहे हैं कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है, अपने अपना जेंडर या अपने पार्टनर को आप खुद जानते हैं वो मेल है फीमेल है, ठीक है, तो मैं उसी तरह बोलूंगी। तो डेथ का कार्ड कहता है कि आप में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, यानी कि आप अंदर से बदल रहे हैं, जो आप पहले सोच रहे थे यानी कि अपने पार्टनर के लिए जो आप फीलिंग्स रखते थे वो आपकी चेंज हो रही है, डेफिनेटली ये कार्ड साथ में आया, इसका कार्ड का मतलब ये होता है कि आप में जो फीलिंग्स पहले थी वो चेंज होती जा रही हैं, आप अंदर से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो इनर वॉइस ही कहती है कि आपको बदलना है, बहुत कुछ बदलना है, बहुत सीक्रेटिव होते जा रहे हैं, इंट्यूटिव होते जा रहे हैं, जो आपके मन में चल रहा है वो किसी को नहीं बता रहे हैं, इवन अपनी फीलिंग्स भी अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है, मन ही मन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं लेकिन बताते नहीं है, बहुत कुछ आपके मन में चल रहा है जो आपके पार्टनर से कहना चाहते हैं बट कह के भी नहीं कह पाते, वो वाली एनर्जी है। यहाँ पे डेथ का कार्ड ये भी कहता है कि आप एक नई शुरुआत चाहते हैं अपनी जिंदगी में, पीछे कुछ छोड़ना चाहते हैं और नया स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तो आप में आई है, यानी कि मेजर बदलाव आपके जीवन में आए हैं, लेकिन उस बदलाव के चलते आप अपने पार्टनर को शो नहीं करना चाहते, जैसे कि मैंने कहा कि उस रीडिंग में भी ये आया था कि पावरफुल हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, साबित करना चाहते हैं, वहां भी मुझे यहाँ भी यही बात दिख रही है कि आप अपने पार्टनर को जो आप में चेंजेस हो रहे हैं वो बता नहीं रहे, कहीं ना कहीं आप इनर ग्रोथ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, इंट्यूटिव होते जा रहे हैं और कुछ ना कुछ सीक्रेटिव रखना चाहते हैं अपने पार्टनर से, और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप उनको कुछ भी हो है, पॉजिटिव हो रहा है आपके जीवन में, नेगेटिव हो रहा है, आप कुछ भी बताना नहीं चाहते, ये एनर्जी आपकी है। चलिए देखते हैं और मिडिल डेट 10 डेज में क्या होता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, द मून, एक कार्ड और लेंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली मिडिल 10 डेज की एनर्जी ये है कि आपके माइंड में जगल चल रहा है अपने पार्टनर को लेके,
दो चॉइसेस आपके हो सकती हैं, आपके माइंड में दो दो लोग हैं या दो पर्सन हैं जिनके बारे में आप जगलिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा डर आपके मन में बना हुआ है किसी चीज को लेके, आप डरते हैं कि कुछ हुआ तो क्या होगा। आपके डर सिर्फ आपका छलावा है गाइज, ये जो मून का कार्ड होता है ये बताता है कि आपके डर कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते जा रहे हैं, अपनी मन की सुन रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे, आप बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होते जा रहे हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है वो किसी को बताना नहीं चाहते। ये कार्ड ही कहता है कि आप बहुत ज्यादा अंदर से डरते हैं, लेकिन वो जो डर है वो अलग है, लेकिन आप बहुत ज्यादा मन ही मन बातों को बहुत ज्यादा उलझाते जा रहे हैं, ये उलझन आपकी बढ़ती जा रही है, दिमाग में भी आपकी यही चल रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि बहुत ज्यादा जगलिंग कर रहे हैं, दो चॉइसेस हैं आपके पास, दो पार्टनर हो सकते हैं, उनके बारे में चॉइस करें, मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहते हैं, अपनी पावर में रहना चाहते हैं, यानी कि अपनी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, यानी कि जहां आप जिसके साथ हैं या जो भी आपका पार्टनर है उससे आप स्टेबिलिटी चाहते हैं कि वो सच का सामना करे आपसे, बिल्कुल आप उनको बिल्कुल सच बताएं कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी आप कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि आपको डर है किसी बात का, आप बहुत ज्यादा मन ही मन बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ घुट रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है घुटन जैसी फीलिंग आ रही है, मुझे बोलने में भी ऐसा लग रहा है, कुछ दबाव वाली स्थिति, तो आप कुछ दबाव में हैं और चाहते हुए भी अपने पार्टनर से कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन आपको स्टेबिलिटी अपनी जिंदगी में चाहिए, सच्चाई चाहिए जो आप उनसे चाहते हैं, एक एक ग्राउंडेड एनर्जी मैं कहूंगी, यानी कि आपके पार्टनर से आप कुछ स्टेबिलिटी के बारे में बात करना चाहते हो, आपकी या आपकी जिंदगी के बारे में कुछ बहुत मेजर डिसीजन आप करना चाहते हैं जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन कुछ ना कुछ मन में ऐसा है कि डरते हैं आप, इवन आपको खोने का डर है, इवन आपको फाइनेंशियली कुछ लॉस होने का डर है, ये भी हो सकता है। चलिए लास्ट 10 डेज देखते हैं गाइस, अगर आपको रीडिंग मैच हो रही है तो प्लीज बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए और देखते हैं, अगेन एम्प्रेस का कार्ड आया है, देखिए उसमें भी जनरल रीडिंग में भी आया था, ओके, सेवन ऑफ कप्स, एक लास्ट कार्ड और निकालूंगी, स्पिरिट्स बताइए लास्ट अप्रैल के लास्ट 10 डेज में क्या एनर्जी रहेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम में देखिए फाइव ऑफ कॉइन्स, यानी कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज आप एम्प्रेस बने रहना चाहेंगे, यानी कि कुछ भी नहीं बताना चाहेंगे, आप घर से भी कुछ घर में जो समस्या है उसको लेके आप कुछ इंट्यूटिव बनेंगे लेकिन सीक्रेटिव रहेंगे, कुछ बताना नहीं चाहेंगे, अपनी पावर में रहेंगे, कहीं तो ईगो ईगो आड़े आएगा आपके, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक दिखाई दे रहे हैं मुझे, हालांकि आपकी जो जो आपकी अंदरूनी भावना है वो कह रही है कि आप अपने पार्टनर से बिल्कुल जो फीलिंग्स है उनकी बहुत अच्छी है, आप उनको नर्चर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है उनके लिए लेकिन बताना नहीं चाहते, चाह के भी उनकी कोई सहायता नहीं करना चाहते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं, आप उनकी फीलिंग्स को समझते हैं लेकिन चाह कर भी उनका कोई साथ नहीं देना चाहते, उनसे अलगाव वाली स्थिति में है, ये एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि आप अपनी ईगो में बैठे हैं, आप कहीं ना कहीं उनका कुछ भी साथ नहीं देना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके माइंड में हो रहा है, उनको लेके बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं, हो सकता है घर गृहस्थी के कुछ मामले हों, हो सकता है फाइनेंशियली कुछ मामले हों, और हो सकता है कि और भी बहुत ऑप्शन आपके पास हो, ऐसा भी हो सकता है, तो आप अपने माइंड को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन आप अपनी पावर में बने रहना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं लोगों को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूं, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी, मैं फीलिंग्स नहीं बताऊंगी, इस तरह की स्थिति आपकी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप अभी भी स्टार्ट करना चाहते हैं, एक अपने पार्टनर के साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं और एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत स्लो एनर्जी होती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, लेकिन आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, जैसे इस कार्ड को भी देखिए, इस कार्ड को भी देखिए, आप बहुत ज्यादा सीक्रेटिव मालूम होते हैं, यहाँ स्टेबिलिटी की आप बात सोच रहे हैं, अगेन आप स्टेबिलिटी वाला ऑफर अपने पार्टनर को देना चाहते हैं, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो एनर्जी है, आप जो भी सोच रहे हैं वो करके भी करना करके करना चाहते हैं पर फिर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल आए हैं हमारे पास, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप फाइनेंशियली एक तो बहुत ज्यादा आश्रित हैं किसी पे, यानी कि आपको लगता है कि आपके जो फाइनेंस है वो आपके पार्टनर पे निर्भर है, आपके जो भी फाइनेंशियली कंडीशन है वो आपके पार्टनर पे निर्भर है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ आप उनसे कहेंगे तो आपको वो छोड़ के चले जाएंगे, बिल्कुल सच बात तो यही है कि आप उनसे डरते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा या मेरी फीलिंग्स को बताया जी या जो मैं चाहती हूँ वो कहा तो आपके पार्टनर आपको छोड़ देंगे, या फिर आपको लगता है कि आप उनको छोड़ देंगे, या तो आपकी भावनाएं हो सकती है या फिर उनकी भावनाएं, दोनों में से कोई ऐसा फाइनेंशियली अटके हुए हैं दोनों, और कुछ ना कुछ क्लियरिटी एक दोनों ही चाहते हैं, मुझे यहाँ पे दोनों की बात लग रही है गाइस, यहाँ पे
क्योंकि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप में भी है और आपके पार्टनर भी है, आप दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए रेडी है, लेकिन फाइनेंस को लेके बहुत ज्यादा अंदरूनी जो बातें चल रही है आप में, फीलिंग्स दोनों में है लेकिन बता नहीं रहे कुछ कहना। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों में है, यानी कि आपके पार्टनर भी चाहते हैं कुछ आपसे कहना, मुझे यहाँ पे लग रहा है, और आप भी अपनी पावर में रह के ईगो में हैं दोनों, और कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं बहुत मेजर, जो कि हमारे पास डेथ का कार्ड बता रहा है, हाई प्रिस्टेस बता रही है, तो ये कुछ, ये दी एम्प्रेस भी ये बता रहा है कार्ड, तो आपके पास बहुत ज्यादा कंफ्यूजन माइंड में है, कुछ चाह के भी नहीं कह पा रहे, और आपको लगता है कि अगर कुछ कहा जाए तो फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा लेस फील करेंगे, या आपके पास फाइनेंशियली ग्रोथ कम हो जाएगी, इस तरह का मुझे यहाँ पे लग रहा है, इसीलिए आप ये सब अपने मन में दबाए हुए हैं और चाह के भी कुछ नहीं कह पा रहे। चलिए, ये आपकी सिचुएशन है, कुछ भी रेजोनेट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।